हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने लिया है बॉयल आलू, जिसको मैंने हल्का सा मैश कर लिया है। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और साथ ही हरी मिर्ची ली है। अब हम कुछ सूखे मसाले पीसेंगे, जिसमें मैंने ली है लौंग, काली मिर्ची और सूखा हरा धनिया। इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। मैंने लिया थोड़ा सा गर्म पानी, जिसके अंदर मैं हींग ऐड, पानी के अंदर ऐसे हींग ऐड करने से हींग का टेस्ट डबल हो जाता है और सब्जी में बहुत अच्छा हींग का फ्लेवर आता है। मैंने 1 बड़ी चम्मच के करीब बेसन लिया है, जिसको मैं हल्का सा भून लूँगी। ऐसा करने से सब्जी के अंदर बेसन का कच्चापन नहीं आएगा और हमारी सब्जी बेसन डालने से थोड़ी गाढ़ी बनेगी। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसको अब हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, अदरक, और इसको अब हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारा अदरक और जीरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड करें अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, जिसको अच्छे से पकाएंगे। अब साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। मैंने सिर्फ हल्का ही नमक डाला है, टमाटर को गलाने जितना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला पीसा था। साथ ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आ जाता है, तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिए अच्छे कलर के लिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन, जो हमने भून के रखा हुआ था। इससे हमारी सब्जी अच्छी गाढ़ी बनेगी। हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, सरफेस पे हल्का हल्का ऑयल आ गया है। अब इसमें बारी है आलू ऐड करने की। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। अब आलू को अच्छे से मसालों में मिक्स करते हुए पकाएं। कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारी सब्जी के अंदर। हम ऐड करेंगे पानी। सूखे मसाले मैंने डाला है धनिया पाउडर, गरम मसाला, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर। इससे सब्जी के अंदर खट्टापन आ जाएगा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा कलर आया है सब्जी में, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाला है हींग का पानी, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बना के रखा था। गर्म पानी के अंदर हींग डाल के अब इससे सब्जी के अंदर हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। हरे धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और सब्जी को मैंने लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने दिया, जिससे कि मेरी सब्जी बहुत अच्छी बन के रेडी हो चुकी है। देखिए, मैंने सब्जी को सर्व कर लिया है। इसको गर्मा गर्म पूरी के साथ खाएं, आपको सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।